अब हम उन खबरों पर नजर डालेंगे जिन पर नजर डालना जरूरी है, क्योंकि खबरें अभी तक पूरा दिन उन पर नजर बनाए रखेगा। शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। रोहतक में जिला परिवेदना समिति की बैठक आज रहेगी, जिस पर खबरें अभी तक अपनी नजर बनाए रखेगा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जो है जनता की समस्याएं यहां पर सुनेंगे और दोपहर को करीबन 12 बजे जो है ये बैठक रहने वाली है, ये मीटिंग रहने वाली है। नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप टूर्नामेंट का भी उद्घाटन उनकी ओर से किया जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अनिल विज भी मौजूद रहेंगे और जनता की समस्याओं को वो जानेंगे कि आखिरकार क्या जनता की समस्याएं हैं, और कोशिश यही रहेगी कि मौके पर निपटारा उन समस्याओं का किया जाए। रोहतक में मौजूद रहेंगे, आज जिला परिवेदना समिति की बैठक होगी। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि हरियाणा के बिजली मंत्री रंजीत सिंह का चरखी दादरी का दौरा रहने वाला है, धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। फोगाट खाप ने आयोजित किया है कार्यक्रम, दादरी विधायक सोमवीर सांगवान अध्यक्षता इसको लेकर कर रहे हैं। और अगली खबर जिस पर नजर बनी रहेगी वो है हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का कैथल का दौरा, इस दौरे पर भी नजर बनी रहेगी। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे, जनता की समस्याओं को भी सुनेंगे। मौके पर ही जो है जनता की समस्याओं का निपटारा करने की कोशिश रहेगी और जनता की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश रहेगी। तो जिला कष्ट निवारण समिति की ये बैठक रहेगी। कैथल का ये जो दौरा है इनका, इस दौरे पर खबरें अभी तक भी अपनी नजर बनाए रखेगा और अगर कोई अपडेट आती है, जो भी खबर से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचानी होगी, सबसे पहले खबरें अभी तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगा।